गर्मियों में तपते धूप और लू का कहर हम लोगों के लिए असहनीय होता जा रहा है। इसके बचाव के लिए हम कई तरीके अपनाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि एक गिलास बेल का जूस पीजिए और अपने को फिट रखिए। दरअसल बेल में इतना सारा न्यूट्रिशन होता है कि गर्मी में आपको फिट रखने के लिए बेल का जूस ही काफ़ी है। बेल में पाया जाने वाला प्रोटीन, बीटा कैरोटीन, थायमिन, राइबोफ्लेविन और विटामिन सी बहुत ही गुणकारी है। ऐसे में मैं आपको बेलगिरी की खूबियों के बारे में बताऊं, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही के बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। शरीर को दे ठंडक। गर्मी के तपते मौसम में लू से बचने के लिए बेल का शरबत पीना फायदेमंद होता है। इससे लू नहीं लगती है और आप पूरा दिन कूल फील करते हैं। इसके जूस में ऐसे तत्व होते हैं जो आपको हीट स्ट्रोक से बचाते हैं। लू लग जाने पर बेल के ताजे पत्तों को पीस लें और पैर के तलों पर लगाएं। इसके अलावा सिर, हाथ और छाती पर इसकी मालिश करें। मिश्री डालकर बेल का शरबत पीने से भी आराम मिलता है। कोलेस्ट्रॉल को करें कंट्रोल। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो इसमें बेल का रस आपको फायदा देगा। बेल के जूस का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। इससे ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है। बेल का जूस आपके ब्लड को भी क्लीन रखता है। अगर आपको स्किन प्रॉब्लम्स हैं तो बेल का जूस पिएं। इससे आप कई प्रॉब्लम्स से बाहर निकल आएंगे। ऐसे में बेल का जूस हल्का गुनगुना कर इसमें कुछ बूंद शहद की मिलाकर पिएं। इससे आपको फायदा मिलेगा। यह जूस हार्ट पेशेंट के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को रखे फिट। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं चल रहा है तो दवाइयों के ऑप्शन में जाने के बजाय अगर आप एक गिलास बेल का जूस पिएं तो आपको गैस, कब्ज और अपच की समस्या में भी आराम मिलेगा। और गर्मी के कारण होने वाले मुंह के छालों में भी बेल का जूस काफ़ी फायदेमंद होता है। इससे आपके मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार एक और वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए लू से बचने के इन उपायों को अपनाकर अपने आप को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।